हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी की कक्षा में और हिंदी के विषय में हम सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे आज बच्चों? हम सीखेंगे वर्ड ख बनाना। क्या बनाना? ख बनाना। ख से खरगोश वाला ख। ये क्या है बच्चों? यह है खरगोश। आज पिक्चर में हमने क्या बनाया है? आज बनाया हमने खरगोश। इसे क्या कहते हैं? खरगोश। ठीक है, ये किस एनिमल का पिक्चर, यानी किस जानवर का पिक्चर है? ये है खरगोश का पिक्चर। ओके, तो आज हम सीखेंगे ख वर्ण बनाना। पिछले वीडियोस में हमने क वर्ण तक सीख लिया है और उन वर्ण को बनाना भी सीख लिया है और पढ़ना भी सीख लिया है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सीखिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज आपको ध्यान देना है क्योंकि हम आज सीखेंगे ख वर्ण। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे, ये रही आपकी हिंदी की नोटबुक की तरह दो लाइंस, यानी ऐसे ही लाइंस के बीच में हम वर्णों को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बनाएंगे वैसे ही आपको अपने नोटबुक में उसे सीखते हुए चलना, यानी बनाते हुए चलना, जिससे आपको वह बनाना आ जाए, यानी लिखना आ जाए। तो देखिए ख से खरगोश वाला ख बनाने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ऐसे सर्कल टाइप में बनाना है, ऐसे सर्कल बनाना है, यानी फुल सर्कल, यानी पूरा गोला नहीं। हमें गोला बनाना है पर पूरा गोला नहीं बनाना है। अब हमने आधा गोला बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इसे कर्व लाइन में तिरछी लाइन बनाते हुए ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे बना लिया, अब हम इसे इसी पर रोक देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर, ठीक इसी के ऊपर एक छोटा सा गोला बनाएंगे ऐसे। देखिए छोटा सा गोला हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे, एक खड़ी पाई खींच देंगे। देखिए यह हमने खींच दी खड़ी पाई, मैं गोला को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ जिससे आपको वो स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींच देंगे एक खड़ी पाई। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा हमने अभी कैसे बनाए थे। हमें सबसे पहले ख बनाने के लिए क्या करना है, एक गोला बनाना है, वो भी पूरा गोला नहीं, आधा गोला ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद हम उस गोले के तरफ से मुड़ते हुए एक तिरछी लाइन, यानी गोलाकार लाइन बनाते हुए यहाँ पर लेते आएंगे और यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी के ऊपर एक गोला बनाएंगे ऐसे, या पूरा गोला बनाना है आपको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक खड़ी पाई से दोनों को जोड़ देंगे ताकि यह लाइन यहाँ पर न जाए और गोला जो है यहाँ पर न जाए। ठीक है, देखिए खड़ी पाई में गोला भी जुड़ा हुआ है और यह जो लाइन हमने बनाई थी, यह जो गोलाकार लाइन है, यह बीच में जुड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतिम जो काम करना होता है हमें, यह खड़ी पाई बनानी होती है ऊपर। ठीक है, तो यह तैयार हो जाता है आपका वर्ण ख। क्या है ये? ख। ख से खरगोश। क्या है बच्चों? ख से खरगोश। ठीक है, खरगोश के बारे में बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें हमने ख से शुरू हुए कुछ शब्द पढ़े हैं और उनके अर्थ समझे हैं। खरगोश क्या होता है? खरगोश एक पालतू जानवर भी होता है और जंगलों में भी यह पाया जाता है, लोग इसे घरों में भी पालतू जानवर बना के रखते हैं क्योंकि यह बहुत सुंदर होते हैं। इनके ऊपर घने घने बाल होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और कुछ खरगोश जो हैं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और इनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं और इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और इन्हें कूद कूद कर आगे बढ़ना आता है और इन्हें गाजर खाना बहुत पसंद है बच्चों। ठीक है, इन्हें क्या पसंद है खाने में? गाजर खाना। तो बच्चों आपने खरगोश के बारे में जाना। देखिए इसके दो बड़े बड़े कान भी होते हैं बच्चों, ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं खरगोश के। एक छोटी सी पूंछ होती है खरगोश को, खरगोश की पूंछ बड़ी नहीं होती है। जैसे आपने बिल्लियों को देखा होगा और डिकोडॉग यानी कुत्तों को देखा होगा तो उनके पूंछ जो है बड़े होते हैं, यानी चूहा भी आपने देखा होगा, उनके भी पूंछ बहुत बड़े होते हैं, पर खरगोश की क्या होते हैं, ऐसी छोटी सी पूंछ
पूछ होती है, उनकी उनकी पूछ बड़ी नहीं होती है। तो बच्चों आपने देखा, हमने आज खरगोश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली और खरगोश के बारे में जाना। तो हमने किससे और सीखा है, ख से, यानी ख से खरगोश, ठीक है। ख से क्या होता है, खरगोश, और यह है ख से खरगोश वाला ख, ठीक है। तो एक बार हमने ख बनाना सीख लिया, चलिए एक बार और सीख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। ओके देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हमें यह गोला बनाना है, मैंने आपको बताया था पूरा गोला नहीं, आधा अर्ध गोला बनाना है। ऐसे ऐसे हमने आधा गोला बना लिया। अब हम इसको मुड़ते हुए एक गोलाकार लाइन यहाँ पर लेके जाएंगे, गोलाकार जो लाइन होती है ऐसे गोला करते हुए यहाँ पर लेके जाएंगे, यानी तिरछीपाई, जैसे तिरछीपाई सीधी होती है गोलाकार लाइन ऐसे होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गोला बनाएंगे, है कि नहीं। हमने यहाँ यह लाइन जो है समाप्त कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गोला बनाएंगे और एक खड़ी पाई खींच देंगे जिसमें वह दोनों जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब हमने खड़ी पाई खींच दी तो वह दोनों क्या हुए, जुड़ गए। ऐसे हम गोला बनाएंगे क्योंकि ख में इस तरीके से गोला बना होता है। तो इस तरीके से गोल बना के हम यह खड़ी पाई ऐसे खींच देंगे जिसमें यह लाइन और यह गोला, ये जो गोलाकार वाली लाइन है यह भी जुड़ जाती है और यह गोला भी जुड़ जाता है, जिससे वह बन जाता है ख, या हम कीजिए पड़ी पाई, ठीक है। जो हर वर्ण के ऊपर हमें बनाना होता है क्योंकि उसके बिना कोई भी वर्ण पूरा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो यह लाइन बना करके हम इसे पूरा कर लेंगे। तो बच्चों आपने देखा हमने कितने आसानी से यह बनाना सीख लिया है, बहुत ही आसान है बच्चों। आप धीरे धीरे भी बनाना सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको यह बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, कौन सा वर्ण है, ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ठीक है। खरगोश के बारे में भी हमने जाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ण के साथ। तब तक के लिए आप लोग पिछले जो और भी वर्ण है उन्हें दोहराते रहिए और इन वर्णों को भी घर पर जरूर प्रैक्टिस करिए। ओके थैंक यू।